टू बालाजी ब्लॉगिंग फ्रेंड्स। तो हमारा नेपाल टूर पार्ट 4 वीडियो यहां से होता है स्टार्ट। और क्या बोलते हैं भाई लोग, सब्सक्राइब बालाजी ब्लॉगिंग चैनल। जी हाँ, बालाजी ब्लॉगिंग को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाते रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके दूसरों को शेयर जरूर कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त बालाजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बालाजी ब्लॉगिंग। तो चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं। जो है कि अब यहाँ से मस्त हमारा निकल चुका है और हम लोग अब यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। तो अब जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे आपको पूरा वीडियो शूट करके दिखाते रहेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहें। जलेबिया मोड़ जो है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आप बिलीव नहीं कर सकते हम लोग कितने ऊपर हैं। बहुत ऊंचा है, देखिए बहुत ऊंचा है। हम लोग यहाँ से पूरा जो पोखरा जो सिटी है वो आपको दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बालाजी ब्लॉगिंग, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाते रहने के लिए। तो नहीं लेकिन कुछ हद तक ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से जो दृश्य है मैं बताऊं कि आप मतलब यूँ समझो कि अगर आप यहाँ नहीं आए तो अपने क्या जिंदगी जिया। एक बार आप यहाँ आए जरूर और यहाँ का यहाँ से जो नज़ारा है वो इतना गजब, इतना मज़ेदार है। क्या लूँगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लगभग 9-10 पार्ट आने वाले हैं इस नेपाल टूर के, तो कहीं आपसे वीडियो मिस ना हो जाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वाओ, क्या अमेजिंग नज़ारा है फ्रेंड्स। मैंने लाइफ में ऐसा नज़ारा नहीं देखा था जो आज हम देख रहे हैं और हम आप लोगों को भी दिखाने की खूब बढ़िया तरीके से कोशिश कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ये है नेपाल टूर पार्ट 4। ये भैया जो है ये ड्राइवर हैं जो कि हम लोगों को इतना ऊपर लेके आए हैं। ये कौन सा जगह है भैया? हम लोग अभी आ गया पुमदी कोट, शांति स्तूपा, फिश पकौड़ा आया। अच्छा, अभी फिश पकौड़ा को दर्शन करके हम लोग उधर शिव का मंदिर पुमदी कोट जाना है। ओके ओके ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे एक मंदिर है उसका दर्शन करेंगे, फिर उसके ऊपर भी एक भगवान शिव का मंदिर है जी जी, वहाँ पे भी दर्शन करने के लिए हम लोग जाएंगे। हाँ जी, तो काफी मजा आ रहा है। राकेश सर कैसा कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वीडियो तो जरूर लाइक करेंगे, दोस्तों को बोलने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि अभी तक का मेरे चैनल का सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो अब जा रहा है। यह है हमारी नीता मैम जो कि चंडीगढ़ से चल के आई हैं और हम लोग सब लोग साथ में आज यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं और बहुत मजा आ रहा है। नीता मैम हमारे चैनल को एक बार हाय बोल दीजिए। हाय, हाय फ्रेंड्स। आप भी बोल दीजिए हाय मैम। आप सब लोग भी हाय बोल दीजिए। हाय सर, लाइक जरूर कीजिएगा। चलते चलते थक गए हम लोग लेकिन अभी भी मंदिर आया नहीं है, लेकिन अब मंदिर के काफी करीब है हम लोग, तो यहाँ से फिर हम लोग वो ऊपर वाले शंकर भगवान जी के पास भी जाएंगे। काफ़ी मज़ा आया, ज़िंदगी में ऐसा टूर मैंने अभी तक तो नहीं किया था। हालांकि मैं गैंगटॉक गया, सिंगटम गया, दार्जिलिंग गया, लेकिन वो जगह और है और ये जगह और है, दोनों का क्वालिटी अलग अलग है। बहुत मज़ा आया, फुल एंटरटेनमेंट, पैसा वसूल टूर इसे कह सकते हैं आप बिना किसी डाउट के।
अभी हम लोग इस पहाड़ के चोटी पे पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग पोखरा का जो बौद्ध स्तूप है वहां पे उपस्थित हो चुके हैं और पीछे जो आपको दिख रहा होगा वहां पे बौद्ध स्तूप है, आपको ले चलते हैं वहां पे। और यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, 2000 रुपये का फाइन है, लेकिन मैं चुपके चुपके वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए। अभी हम लोग उधर बुद्ध स्तूप से नीचे उतर रहे हैं, यहाँ का जो भी था हम लोग का घूमना फिरना हो गया, अब हम लोग यहाँ से नीचे उतर रहे हैं और फिर यहाँ से जाएंगे। इस पहाड़ के बाद एक और पहाड़ है, उसके ऊपर शिव जी का मंदिर है, तो वहाँ पर आपको लिए चलेंगे। तो अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है, आई होप आप लोग को भी बहुत मज़ा आ ही रहा होगा। तो ऐसे वीडियो में बने रहें, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है।